नमस्कार दोस्तों, वेलकम, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आर एस जंक्शन पर। मैं हूँ घनश्याम और दिनांक 17 मई की सभी प्रमुख खबरें लेकर हाजिर हूँ। कई छात्रों का ये कमेंट रहता है कि सर राजस्थान करंट अफेयर्स है लेकिन राजस्थान की खबरें नहीं होती। तो कई बार क्या होता है दोस्तों, महत्वपूर्ण खबरें नहीं मिल पाती है। खबरें बहुत सी होती है लेकिन हम केवल वे ही पढ़ें जो परीक्षा उपयोगी है तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि करंट अफेयर्स की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और उनमें सेलेक्टिव पढ़ना हमेशा एक समझदारी भरा कदम होता है। तो इसीलिए जब आपके उपयोगी जो परीक्षा में पूछे जाने लायक प्रश्न होते हैं उन्हें मैं ज़रूर सम्मिलित करता हूं, और जो जैसे कोरोना के आंकड़े या बाकी चीज़ों को सम्मिलित करने का किसी तरह का कोई मतलब इसमें नहीं है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले गुलदस्ता मार्च 2021 का अंक जो है वो आप ले सकते हैं हमारी एप्लीकेशन आर एस जंक्शन से, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, बाईलिंगुअल है ये। और अप्रैल का अंक भी 2-3 दिनों में आपको मिल जाएगा तो उसका भी आप लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा जो है आपके लिए एसआई के लिए हिंदी का कंप्लीट कोर्स मेरा चल रहा है और पॉलिटी जो आरएस प्रीलिम्स और मेंस के लिए उसका कोर्स चल रहा है, तो दोनों ही एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे। एक बार आप उन्हें जाकर जरूर देखें, प्रीव्यू में वहाँ पर आप उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं आज का। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक देश में माइस रेन अर्थात चूहों की बारिश की समस्या देखी गई है? देखिए, ये कोई चूहों की बारिश नहीं हुई, दरअसल वहाँ पर चूहों की बढ़ती तादाद को लेकर के एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है जिसकी वजह से उसे चूहों की बारिश नाम दिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया में ये घटना देखी गई है, वहाँ पर लगातार चूहों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और हाल ही में सोशल मीडिया में एक वीडियो में सफाई के दौरान चूहों को मशीन से बाहर निकलते हुए दिखाया गया और इसीलिए ये माइस रेन शब्द जो है ये प्रचलन में आया है। इसकी वजह से पूरे देश में प्लेग की समस्या भी बढ़ी है, खास करके न्यू साउथ वेल्स एरिया में। प्लेग एक जानलेवा संक्रामक रोग है जो यर्सिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु की वजह से होता है, तो जीवाणु जनित रोग है। यह कृतंक कौन होते हैं जो कुतरते हैं चीज़ों को, ठीक है, तो चूहे चूकी चीज़ों को कुतरते हैं तो इन जानवरों में पाया जाता है। चूहों के गोबर से कई टन अनाज भी वहाँ पर दूषित हो रहा है और चूहा मनुष्य के बाद में बड़ी तेज़ी से प्रजनन करने वाला जीव है और एक जोड़ी जो स्वस्थ मादा और नर चूहे की होती है ये लगभग 20 दिन में एक संतान को पैदा कर सकती है। तो ऐसे में इन चूहों की आबादी यहाँ तेजी से बढ़ रही है जो कि एक चिंता का विषय हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हाल ही में मनाया गया 15 मई को और इसकी इस बार थीम रही परिवार और नई तकनीकें अर्थात फैमिली एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। 2020 की थीम 2019 और 2018 ये भी मैंने यहाँ पर दी है। विश्व भर में 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच पारिवारिक संबंधों के महत्व को उजागर करना। दोस्तों, वर्तमान में कोरोना जैसी महामारी के बीच में परिवारों के बीच में एक मतभेद भी देखने को मिले हैं और दूसरा कई जगह पर सहयोगात्मक भावना भी संयुक्त परिवारों की देखी गई है। संयुक्त परिवार प्रथाएं हमारे देश में काफ़ी प्राचीनतम समय से प्रचलित रही है और ये लोगों को मनोवैज्ञानिक जो है हौसला प्रदान करती है, लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। वर्ष 2021 में परिवार और नई प्रौद्योगिकियां नामक थीम पर इसे मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बुनियादी परिवार प्रणाली के महत्व को महसूस करते हुए 1993 में 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में घोषित किया और 1994 में पहली बार इसे मनाया भी गया। निम्नलिखित में से किस एक राज्य सरकार द्वारा मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की शुरुआत की गई है? प्रसिद्ध लेखक मनोज दास के स्मृति में उड़ीसा द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी साहित्य में रचनात्मक योगदान देने वाले उड़ीसा के साहित्यकारों को दिया जाएगा। इसके तहत पुरस्कार के तौर पर 10 लाख रुपये का नगद इनाम मिलेगा। दोस्तों, मनोज दास एक द्विभाषी साहित्यकार थी जिनकी हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। वर्ष 1934 में उड़ीसा में ये जन्मे थे और मनोज दास ने ओडिया और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं भी की है। मनोज दास को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2001 में पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और इन्हीं की स्मृति में, चूँकि दिवंगत हैं, इन्हीं की स्मृति में ये पुरस्कार घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से किस एक रेलवे स्टेशन पर देश का 6000वां वाईफाई लगाया गया है? दोस्तों, 5 साल पहले सरकार ने सभी रेलवे स्टेशनों को वाईफाई युक्त करने का जो है अभियान शुरू किया था और अब 6000 रेलवे स्टेशन इसकी जद में आ चुके हैं। हजारीबाग टाउन 6000वां स्टेशन था जिसे वाईफाई से लैस किया गया है। तो 15 मई 2021 को पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेलवे मंडल में झारखंड स्थित इस हजारीबाग जिले के हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन पर वाईफाई लगाया गया है। भारतीय रेलवे स्टेशन ने जनवरी 2016 में इसकी शुरुआत की और मुंबई रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले वाईफाई की सुविधा दी गई थी। इसके बाद पश्चिम बंगाल का मिदनापुर रेलवे स्टेशन 5000वां स्टेशन बना जबकि हजारीबाग 6000वां।
उसी दिन जो 6000वां जब स्टेशन बना उसी दिन उड़ीसा के ही अंगुल जिला स्थित जारापाड़ा रेलवे स्टेशन में भी वाईफाई की सुविधा प्रदान की गई है। भारत के कोविड 19 राहत फंड के लिए विभिन्न लोग मदद कर रहे हैं और इसी क्रम में हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के सह संस्थापक विटालिक बुतेरिन जो हैं जिन्होंने इथेरियम नामक क्रिप्टो करेंसी का सह संस्थापक जिनको माना जाता है उन्होंने $1 बिलियन की मदद दी है। तो यहाँ पर इथेरियम के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। इथेरियम वर्तमान समय में प्रचलित सबसे बेहतरीन क्रिप्टो करेंसी है और रूसी कनेडियन प्रोग्रामर विटालिक बुतेरिन इसके सह संस्थापक हैं। इथेरियम एक डिस्ट्रीब्यूटेड और ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो क्रिप्टोग्राफिक ब्लॉक की बढ़ती सूची है। देखिए जो बिटकॉइन जैसी जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं दरअसल ये डिजिटल करेंसी का रूप है और इनको बनाने के तरीकों को कहते हैं माइनिंग। ज़्यादातर मामलों में इसमें बहुत से प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, आपको बहुत ही बड़े एल्गोरिदम्स को सॉल्व करना होता है और ये ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है। ब्लॉकचेन एक ओपन सोर्स टेक्निक है जिसमें क्या होता है बहुत से यूज़र्स होते हैं और हर एक जब भी कोई ब्लॉक इसमें जोड़ा जाता है तो उस ब्लॉक को जोड़ने से वो ओपन सोर्स रहता है और उसको नॉर्मली डिलीट नहीं किया जा सकता। तो सरकारों के प्रभाव को रोकने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर मुद्राएं सरकार के नियंत्रण में होती है तो ये बिना किसी सरकार के नियंत्रण वाली मुद्रा के रूप में मानी जाती है। ईथर इथेरियम प्लेटफॉर्म का क्रिप्टो करेंसी टोकन है और ये बिटकॉइन के बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन की तरफ से दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। दुनिया में सबसे सक्रिय रूप से इसको इस्तेमाल भी किया जाता है। इथेरियम के एक क्रिप्टो करेंसी मुद्रा की कीमत जो है 2.88 लाख रुपये है और इसे 30 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैल रहा है अफ्रीकन स्वाइन फीवर और इसका संबंध सुअर से। तो हाल ही में मेघालय और नागालैंड जैसे क्षेत्रों में इसे देखा गया। अफ्रीकन स्वाइन फीवर मिजोरम में 1 महीने पहले 1700 सुअर मरे थे और अब मेघालय में यह फैल गया और वहाँ पर भी 300 से ज़्यादा सुअर मर चुके हैं। पहली बार 1920 में अफ्रीका में ये बीमारी पाई गई। बीमारी का कोई इलाज नहीं है और बीमारी को फैलने से रोकने का एकमात्र तरीका है जानवरों को मारना। इंसान के लिए इसका कोई खतरा नहीं है और ये केवल पशु से पशु में फैलने वाला रोग है, मतलब ये जूनोटिक डिजीज़ नहीं है। जूनोटिक किन्हें बोलते हैं? जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस कम तापमान के लिए प्रतिरोधी है और ये वायरस तभी मरता है जब सूअरों को 70 से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए और इतने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो वैसे ही सूअर मर जाएंगे। तो इसलिए ये सूअरों की जानलेवा बनता जा रहा है और मेघालय जैसे क्षेत्रों में अब ये चिंता का विषय बन गया है। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ करंट अफेयर्स जिन पर मैंने आपसे चर्चा की। महत्वपूर्ण है तो आप रेगुलर पढ़ते रहें और रिवीजन के लिए आप हमारी बुक करंट अफेयर्स की जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। वार्षिकांक 2020 का भी कंप्लीट अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पे, जिसको भी आप ले सकते हैं ताकि आप अपना पिछला रिवीजन कर सकें। याद रखिए हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी आपको करंट दिए जाते हैं वो न केवल आपके करंट अफेयर्स को कवर करते हैं बल्कि इसके साथ साथ RS मुख्य परीक्षा में भी बहुत से बिंदुओं को समाहित करते हैं, क्योंकि मैंने खुद ने उसकी तैयारी की है तो उसी हिसाब से मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।